हेलो गाइस कैसे हैं आप वेलकम बैक टू लिटरेचर इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी को और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले रिसर्च क्या होती है रिसर्च होती है क्लोज एंड केयरफुल स्टडी टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स ये रिसर्च की डेफिनेशन है इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स अपलोड किया रिसर्च मेथोडोलॉजी पे उसमें भी मैंने रिसर्च का बताया है कि क्या होती है पहला लेक्चर था हमारा फिलॉसफी ऑफ रिसर्च और दूसरा था टाइप्स ऑफ रिसर्च या थर्ड लेक्चर है हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च तो इसमें क्या है उसके रिसर्च का पढ़ लिया हमने उसके बाद प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस अ सीरीज ऑफ एक्शन एंड स्टेप टेकन इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर एंड अब रिसर्च प्रोसेस को अगर इकट्ठा करके देखे द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मोडिफाइंगर इन्वेस्टमेंट द स्टेप इन्वॉल्विंग इन रिसर्च नोन एज रिसर्च प्रोसेस ये होता है रिसर्च प्रोसेस अब रिसर्च का प्रोसेस क्या है इसका सिंपली आपने याद रखना है की तीन स्टेप है इसके ठीक है जिनको आपने फॉलो करना है बेसिकली तो हम लोग के पास आठ है यानी की एट स्टेप्स है लेकिन इसको समझ के लिए हम लोगों ने इसको थ्री फेसेस में डिवाइड किया है सबसे पहले व्हाट यानी कि डिसाइड करना है रिसर्च क्वेश्चंस जिनका आंसर देना हो आपने उसके बाद हाउ यानी कि प्लानिंग करनी है उस स्टेप में आपने सारा मेटेरियल या एविडेंस इकट्ठा करना है टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन और लास्ट स्टेप में कलेक्टिंग यानी कि कंडक्टिंग करनी है जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है उसकी इस सारे प्रोसीजर को इस एग्जाम्पल से समझे आप कि सपोज आपने कहीं बाहर जाना है आउटिंग पर तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है यानी कि डेस्टिनेशन क्या होगी और फिर आप डिसाइड करेंगे कि रूट क्या होगा तो आपने क्या किया इसके अंदर दर सालों से पहले डिसाइड किया कि आपने जाना कहाँ है आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपने कौन सा रूट इख्तियार करना है सेम गोस फॉर रिसर्च जर्नी आपको पहले डिसाइड करना होता है कि वट यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट या वट रिसर्च कश्चन्स यू वॉन्ट टू फाइंड आंसर टू इसके बाद आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है या क्या रिसर्च क्वेश्चन हैं आप फिर ये डिसाइड करते हैं हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग दैट आंसर जो पाथ है आपका टू फाइंडिंग आंसर्स टू योर रिसर्च क्वेश्चन इसको कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी अब रिसर्च प्रोसेस जो है ये क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों में सेम होता है लेकिन जो मैथड्स डाटा कलेक्शन डाटा प्रोसेसिंग और डिफरेंट जो भी इसके अंदर टेक्निक्स यूज होती हैं वो सब क्या होती हैं इसके अंदर डिफरेंट होती हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि क्वालिटेटिव क्या होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है तो इनका प्रोसीजर डिफरेंट है लेकिन रिसर्च प्रोसेस इन दोनों का सेम है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास फेस ए है डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च यानी कि फार्मूलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम ये हम लोगों के पास स्टेप वन है रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना ये हम लोग के पास फेस ए के अंदर स्टेप वन है इसमें आपने सुपरवाइज़र को बताना होता है कि व्हाट यू इंटेंड टू रिसर्च इस स्टेप में मेन फंक्शन क्या है कि टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है अब सबसे पहले ये देखें कोई भी क्वेश्चन जिसका आपने आंसर देना हो या कोई भी अजम्पन जिसको आपने चैलेंज करना हो या कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हो आप उसको कहेंगे रिसर्च प्रॉब्लम ये ऐसे ही है जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेस्टनी बिफोर यू स्टार्टिंग द जर्नी जो भी हम लोगों ने थोड़ी दे पहले एग्जाम्पल ली थी नेक्स्ट फेज़ क्या है हमारे पास फेज बी प्लानिंग हाउ टू कंडक्ट ए स्टडी इसके अंदर हमारे पास चार स्टेप्स हैं कंसेपचुलाइजिंग द रिसर्च डिज़ाइन कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन सिलेक्टिंग ए सैम्पल राइटिंग ए रिसर्च प्रोपोजल सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रिसर्च डिज़ाइन ये एक तरह का प्लान होता है जो आपने करना होता है रिसर्च के लिए एक तरह की आउटलाइन होती है जो आपने बनानी होती है इसमें क्या आएगा डिसाइड डिस्क्राइब जस्टिफाई एक्सप्लेन किन सब के बारे में है ये कि रिसर्च प्रॉब्लम कि कैसे आप आंसर ढूंढेंगे अपने रिसर्च क्वेश्चन का ये इस सब के बारे में अब इसमें आपने जब रिसर्च डिज़ाइन की सिलेक्शन करनी है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो वैलिड हो वर्केबल हो मैनेजेबल हो आपके पास स्ट्रॉग रीज़न होनी चाहिए कि जो आपका डिज़ाइन है उसको आप जस्टिफाई कर सकें आपको पता हो कि क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं इसकी क्या वीकनेसेस हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो अपनी स्टडी के लिए उसे कहेंगे रिसर्च टूल या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा फॉर द परपोज स्टडी एंड देन कंस्ट्रक्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कुलेक्शन इसमें आपने सिंपली डाटा क्लेक्शन का प्लान डिवेलप करना होता है गोल्स को आइडेंटिफाई करना होता है और डाटा अनालस करना होता है नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिंग अ सैम्पल अब सैम्पल को सिलेक्ट करते हुए आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है नंबर वन अवॉयडेंस ऑफ बाइस इन सिलेक्शन और दूसरा अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रिसीजन फॉर गिवन आउटले ऑफ़ रिसोर्सिस मतलब कि बाइसनेस ना हो और क्वालिटी कैसी है जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसकी अब सैम्पल की सिलेक्शन जो है वो तीन कैटेगरीज में हो सकती हैं रेंडमली नॉन रेंडमली मिक्सड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल अब प्रिपरटरी वर्क तो हम लोगों का सारा हो गया अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि इसके अंदर आपको सब कुछ इकट्ठा करना है जितने भी आपने स्टेप्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जितने भी आपने स्टेप्स जो हैं उन सबको किया है कि ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये मेरी रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये मैं मैथडोलॉजी लगा रही हूँ और ये मैंने टूल्स यूज़ किए मतलब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपने रिसर्च की सुपरवाइज़र को तैयार करके दे देनी है ये है आपका रिसर्च प्रपोजल लेकिन इसकी लेंथ जो है वो कम होती है बाकी जिस तरह तीसिस होते हैं इस तरह की इसकी लेंथ नहीं होती इसकी छोटी सी होती है क्योंकि एक तरह का आपने प्रपोजल देना होता है आप बता रहे होते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ और ये मेरा मोटिव है और ये मेरा रिसर्च गैप है या इस चीज़ को मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ या इस चीज़ को मैं प्रूव कर रहा हूँ तो ये आपने एक तरह का स्केच सा बना के देना होता है रफ सा अपने सुपरवाइज़र को जो आपकी रिसर्च कंडक्ट कर रहा हो रिसर्च प्रपोजल में ये तीन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए वट यू आर प्रपोजिंग टू डू हाउ यू प्लान टू प्रोसीड वाई यू सिलेक्टेड द प्रपोजल स्ट्रेटेजी नेक्स्ट मूव करते हैं ये हमारा लास्ट सेक्शन है फेज सी यानी कि कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी इसके अंदर हमारे पास आते हैं तीन स्टेप्स कलेक्टिंग डेटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेंग डाटा राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट सबसे पहले क्लेक्टिंग डाटा इसमें आपने डाटा को क्लेक्ट करना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस हिसाब आप से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो क्या है इंटरव्यूज़ करने हैं ग्रुप डिस्कशन हो सकती है उसमें ऑब्जरवेशन हो सकती हैं और फिर आगे चल कर आपको उसके अंदर एथिकल इश्यूज़ का सामना करना होता है ठीक है सारा डाटा कलेक्शन के अंदर आ जाएगा एथिकल इश्यूज़ के अंदर आ जाएगा कि आपने कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और किस चीज़ के अंदर आपने रहना है मतलब प्लेजरिज्म का इशू ना हो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने तो ये इसके अंदर हम डिटेल में आगे पर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम हमारे पास प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इसमें आपने अपने डाटा को एनालाइज़ करना होता है अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसको इस हिसाब से आपने एनालाइज़ करना है अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो उसको आपने उस हिसाब से एनालाइज़ करना है अगर क्वालिटेटिव फॉर्म में है तो आपने अपनी रिपोर्ट या डिजर्टेशन जो भी आपने बनानी है उसका कंटेंट आपने उसके हिसाब से एनालाइज करना है और अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म में है तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होगी उसका स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर देखना होगा फैक्टर एनालिसिस करना होगा पर उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के लिए आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है तो ये जो है इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है एनालाइज योर डाटा यानी कि जो आपका डाटा है उसको एनालाइज करना है नेक्स्ट क्या है हमारे पास राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट सेम इसमें भी यही देखना है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है रिसर्च रिपोर्ट वाला हमारा आखिरी स्टेप है और ये मुश्किल स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में से ये रिपोर्ट आपकी बताती है कि आपने क्या किया यानी कि वट यू हैव डन आपने क्या डिस्कवर किया यानी कि वट यू हैव डिस्कवर्ड फिर आपके कंक्लूजन निकले जो आपने अपनी फाइंडिंग्स की इसमें ये सब कुछ बताती है आपकी रिपोर्ट अगर आप क्लियर हो इस चीज़ में तो आप क्लियर हो गए अपनी रिपोर्ट के अंदर मतलब इन तीन चीज़ों के अंदर अगर आप क्लियर हो ना तो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर भी क्लियर हो गए आपकी रिपोर्ट जो है वो स्टाइल में होनी चाहिए डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप थॉट आप दे रहे हो वो कैसी है ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोगों ने एट स्टेप्स थे रिसर्च प्रोसेस के जो हमने थ्री फेजेस में डिवाइड किए थे और हर स्टेप के अपने मेथड्स टेक्नीस और प्रोसीजर्स हैं ये देखा आज की वीडियो में हमने उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी ये हमारा रिसर्च का प्रोसेस था सिंपली एक टाइप की आउटलाइन थी जैसे इसकेजल होता है आपको फॉलो करना होता है सेम इसमें भी आर्ट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है बाकी आगे हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे अगर आपको इन टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़